हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी कैसे हो? आज आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो मैंने 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं बना है, तो आज है कौन दिन आकृति? तो आज है मंगलवार और ये मेरी गुड़िया रानी घर पे है, क्योंकि आज इसके बहन नहीं आई है। तैयार होके गई लेकिन बहन नहीं आए, तो ड्राइवर को मैंने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन शायद ख़राब था तो नहीं जा रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फिर घुमा कर भी चली आई। तो ये देखिए मेरे बालों की क्या हाल दशा कर चुकी है ये, तो इसी में मेरे बाल को तब से लगी हुई है, देख सकते हैं। तो वो नहा धो के रेडी है, मेरे साथ ही नहा ली थी और उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहा है, तो मेरे बाल मैंने धोया था तो सूख भीगा है, इसलिए मैंने बांधी नहीं हुआ। और आकृति हाय कर दो सबको, फ्रेंड सबको। तो ये मेरे बाल को देखो, और इधर आकृति का हेयर स्टाइल हो गया था तो मैंने अपने कंघी कर ली बालों में और आ गई किचन। तो मैं चावल चढ़ा के ही बैठी थी तो मेरी चावल हो गई थी और मैं तरह की सब्जी काट ली थी क्योंकि मुझे आज उसी की सब्जी बनानी थी। तो मेरे घर में ये काफ़ी आ रही है क्योंकि इनके पापा जहाँ काम करते वहाँ लगाए थे, तो वो रहा था तभी एक दो हो ही रहा था, तो वो निकलते ही हैं तो ले आते हैं। तो और इधर मैंने कद्दू हल्की सी कर रखी थी, तो वो कद्दू मैंने दाल के लिए रखी थी, तो मैंने कहा कि चला जिसके बड़ी बना दूँ। और ये मसाले मैंने तैयार करके रखी तो मुझे इसको पीसना है। और इधर मैंने बेसन और कॉर्न फ्लोरा थोड़ा सा मैंने डाल देती हूँ और इसमें धनिया पत्ता, मिर्च, आमचूर पाउडर और नमक, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, मैं ये सब सारी चीज़ों को डाल दूँगी और बड़ी बना दूँगी। तो कद्दू के कोफ्ते भी अच्छे लगते, तो कद्दू कम थे तो ये जो भी समझिए मैं बड़ी की तरह ही बनाऊँगी। उसके बाद मेरा यही सिंपल सा ही रहेगा। और इधर मैं बना दे रही हूँ बड़ी को, तो मैं फ्राई पैन में ही बनाती हूँ क्योंकि इसमें तेल कम सोखती है ना, इसलिए अच्छा लगता है मुझे इसमें बनाना। तो मेरी इधर फ्राई हो गई थी तो आकृति लेके चली गई कि उसको काफ़ी पसंद है। और यहाँ पे मेरा मसाला भुना गया तो देख सकते हो तेल निकल, तेल छोड़ दी है, तो बस मैं कोफ्तों को डाल दूँगी बड़ी को। तो मैं ये गाढ़ी नहीं रखूँगी क्योंकि पतली रखूँगी, क्योंकि बेसन हमेशा ठंडा होने के बाद वो गाढ़ी हो जाती है। और इधर इनके पापा सब्ज़ी लाए थे तो सीताफल, मूली और करेले लाए थे, तो मूली के पत्ते ना काफ़ी अच्छे थे, फ्रेश थे, तो मैंने कहा कि चलो इसको मैं फ्राई कर देती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आता है, मतलब बच्चों लोग भी खाते हैं, हम लोग सब कोई खाते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने कुछ पत्ते ख़राब थे तो मैं इसको हटा दी थी और मैं एक मूली भी इसमें डाल दूँगी। और मैं इसी के सहारे काटती हूँ, मुझे चाकू से काटना नहीं आता, एकदम नहीं काटने आता है। तो मेरी यहाँ पे तेल गरम हो गई थी, मैं मिर्चाई डाल दी हूँ सिंपल सा और नमक और एक थोड़ी हल्दी डाल दूँगी, तो बस मेरा सिंपल से मेरी मूली फ्राई भी हो जाएगी, तो चावल के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखिए मेरी मूली फ्राई हो गई थी और लहसुन डालने से तो इसकी टेस्ट काफ़ी उभर के रहा था। कोई भी साग बनाइए उसमें लहसुन डालिएगा तो उसमें साग का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस हमारा लंच तैयार हो गया था और मैं आ गई छत, तो बच्चों लोग को लंच कर लिए थे और उसके बाद इनके पापा नहाए रहे थे, तो मैंने कहा कि उनका वेट कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो ये सब काम कर लेती। तो ये देखिए कपड़े मेरे कभी कम नहीं होते, मेरे रोज़ ही कपड़े हमेशा निकल ही आते हैं। और हम हाउसवाइफों का बस यही है और मेरा ब्लॉग इसी से जुड़ा है, हमारे घर से जुड़ा है, मेरे काम से, रिलेटिव से जुड़ा हुआ है और मैं मेरे और मेरे परिवार से ही जुड़ा है। तो आप सबको मैं ब्लॉग में मेरा यही सब देखने को मिलेगा। तो बस मेरी यहीं पे हो गई थी, मैं कपड़ों को ले आई और इधर मैं कपड़ों को तय करके रख ली थी, फोल्ड कर ली थी। तो मेरे देख सकते हो यहाँ पे मैं अंकित का कपड़ा रखती हूँ इस बाल्टी में, ये जब छोटा था तभी से मैं बाल्टी में रखती, तो जब आकृति हुई तो मैं इसके लिए और एक बाल्टी मेरी आ गई। तो ये देखिए मैं कपड़ों को ऐसे ही रख देती हूँ, दोनों बच्चों के 2 बाल्टी हैं तो दोनों को कपड़ों को मैं यहाँ रख दूँगी। और उसके बाद मेरे कपड़े तो अलमार आईने के पास एक है उसमें ही रखती हूँ, तो बस एक ही घर रूम है जिससे मैंने से तो रखना पड़ता है। मेरे बर्तन धो ली थी, मैंने सारे काम कर ली हूँ, झाड़ू भी हो गया है, अब मैं इसके बर्तन को यहाँ पे धो धा के हो गई थी मेरी किलनी। और मैं ज़्यादा वीडियो का लंबा नहीं करना चाहती हूँ, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।